मालिश कंटिन्यू रखी तो आपकी पूरी बॉडी कितनी जल्दी काम करने लगी। बॉडी का एक पार्ट अगर मुझे इतना मजा दे रहा है तो आपकी पूरी बॉडी मुझे कितना मजा दे। तो कहानी की शुरुआत होती है अजय नाम के लड़के से शुरू, जो अपाहिज होकर व्हीलचेयर पर बैठा है। इसका कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इसकी भाभी सुमन की मौत हो गई थी और ये बच गया था। इसका बड़ा भाई होता है राज, जो अपनी जान से ज़्यादा अजय को चाहता है। इसकी पत्नी तो मर गई है, पर वो अजय को जल्दी से ठीक करने के लिए सब कुछ कर रहा है। अजय की देखभाल करने के लिए राज ने एक महक नाम की खूबसूरत केयर टेकर को रखा है, पर यह महक अजय की इतनी सेवा करती है कि क्या ही बताऊँ। ये ना अजय के लंगड़े लूले होने का अच्छे से फ़ायदा उठा रही है, यानी कि नहाना हो या गांड धोना, अजय का हर काम ये महक रानी करती है। साथ में इसके साथ मस्त रोमांस भी करती है। इसका उदाहरण अभी देखने को मिलता है और पूरा ज़बरदस्त वाला हॉट सीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। शुरुआत का सीन ही पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है, जो 12 मिनट का है। कभी कभी लगता है कि ऐसी नर्स सबको मिल जाए तो कोई भी बीमार पड़ने के लिए हमेशा रेडी रहेगा, पर साली जिंदगी इतनी कुत्ती है कि बात करने के लिए एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है। खैर, अगले सीन में राज का अपने बीवी सुमन को लेकर कितना प्यार है ये दिखाई देता है, पर इसकी मौत कैसे हुई ये तो अभी सस्पेंस है। पर लास्ट में इसका भी पता लग जाएगा। राज सुमन से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, पर जिस दिन अजय अपनी भाभी को गाड़ी में ले जा रहा था तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, पर कैसे हुआ यही तो आगे जानना है। पर उससे पहले फिर से महक और अजय का धमाकेदार वाला घपाघप सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 18 मिनट का है और पूरा झक्का सीन है। अगले सीन में कुछ पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए राज के पास आते हैं और वो कहते हैं कि आपकी बीवी एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरी है, उसका किसी ने जानबूझकर मर्डर किया है। ये बात सुनते ही राज तो पूरा भौचक्का रह जाता है। उसे पुलिस वालों की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। पुलिस वालों का शक तो सीधा राज के ऊपर ही जाता है। तो क्या राज ने ही सुमन को मारा है? ये तो बाद में पता चलेगा। अगले सीन में फ्लैशबैक वाली कहानी दिखाई देती है कि कैसे तीनों मिलकर आपस में घुल मिल कर रहते थे, पर अजय कुछ ज़्यादा ही अपनी भाभी पर अट्रैक्ट रहता था। अगले दिन महक अजय को बाहर घुमाने लेके जाती है। ना जाने ये लंगड़े लूले से कैसे प्यार करने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे के लालच में आकर महक ने अजय के साथ ये सब किया है, इसका तो पता नहीं। पर महक अजय को ठीक करने के लिए रोज इसके साथ बेड पे टपाटप करती रहती है और आज भी सेम वैसा ही करती है। और फिर से देखने को मिलेगा महक और अजय का गजब वाला पलंग तोड़ सीन। किसी को भी जल्दी ठीक करने का यही एक अच्छा तरीका होता है। किसी के हाथ पाँव ना चले, पर लड़की की चूत देखते ही सबका लंड खड़ा जरूर होता है, और यही अजय के साथ भी हो रहा है। और इसी बात का फ़ायदा अपनी महक रानी उठा रही है। यहाँ भी 15 मिनट का फुल रोमांटिक वाला सीन देखने को मिलता है। अब कुछ दिनों बाद डॉक्टर आके अजय का चेकअप करता है और कहता है कि केयर टेकर की वजह से अजय की तबीयत में बहुत ही सुधार आया है। अब वो सबको सुन भी सकता है और आपके छुअन को महसूस भी कर सकता है। वारे छोरी, तेरा चमत्कार काम आ रहा है। इधर पुलिस वाले सुमन के केस की छानबीन करने एक्सीडेंट वाली जगह पे जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक सिगरेट का टुकड़ा मिलता है और यही होता है सबूत असली खूनी का। तो क्या अब पुलिस पूरा पर्दाफाश करके रहेगी या फिर ये सस्पेंस यहीं पर रहेगा, ये देखने लायक होगा। अब पुलिस सबूत लेके राज के घर जाते हैं और राज के घर की पूरी तलाशी लेके अजय से एक्सीडेंट कैसे हुआ ये पूछताछ करने लगती है, पर अजय की तो बैटरी लूल हो गई है। वो कहा कुछ बताने वाला है तो पुलिस को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, उन्हें खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता है। और अब वेब सीरीज के लास्ट में फिर से एक बार अजय और महक का जंगी वाला मुकाबला देखने को मिलता है। आखिर एक अपाहिज की सेवा ऐसे कौन करता है यार, हमने तो कभी ऐसे नहीं देखा।
ये काम सिर्फ उल्लू वाले ही कर सकते हैं और ऐसे कड़क वाले सीन सिर्फ और सिर्फ उल्लू के ऐप पर ही देखने को मिलेंगे। ये लास्ट वाला सीन पूरा 20 मिनट का है जो काफ़ी मज़ेदार और ब्यूटीफुल सीन है। ये सीन आपको ज़रूर पसंद आएगा और इनके रोमांटिक सीन के साथ डेविल पार्ट वन की कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। पर अभी तक ये नहीं पता चला है कि सुमन का एक्सीडेंट कैसे हुआ या फिर किसी ने जानबूझकर उसका एक्सीडेंट करवाया। ये सब तो अब इसके पार्ट टू में ही पता चलेगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपको इस वेब सीरीज़ में छोटे मोटे वाले हॉट सीन ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए। आज के वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।